अब एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक सिंधियों ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, बाहर निकल आए हैं सिंधी भी और ये नारा लगा रहे हैं कि जिस तरीके से बना था बांग्लादेश उसी तरीके से बनने वाला है सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, बलोचिस्तान में कभी पहले होते थे, गिलगित में भी शायद अभी पहली दफा हो रहा है। अब हर जगह पे बलोचिस्तान हो, गिलगित हो या सिंध हो, वहाँ पे वो कह रहे हैं हमें अलहदा स्टेट बना दें। नहीं, मैंने नहीं यहाँ पे रहना। क्यों? पाकिस्तान में ही रहना मैं। क्यों? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब पुलिस होती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा। उल्टा हम पुलिस वालों की प्रोटेक्शन करते हैं। क्या देख रहे हैं अभी हम, जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे वहाँ के लोग डिमांड करने लगे हैं, ये मेरे ख्याल से अभी पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सिंध में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारा जो तारीखी वतन है वो सिंध है, सिंधु देश है, लिहाजा हमें सिंधु देश की आजादी चाहिए। एजुकेशन वहाँ बिल्कुल ना होने के मतलब वडेरा शाही ने वहाँ बिल्कुल तबाही मचाई हुई है। आज भी वहाँ पे जो गरीब आदमी है वो वडेरे से खाना भी पूछ के खाता है कि मुझे अगर एक रोटी मिली है तो उसमें से कितने निवाले खाने हैं, ये सिंध का वडेरा डिसाइड करता है। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे तल्ख हकायक ऐसे हैं जिनको ना आप कभी डिस्कस कर सकते हैं, ना उन पर लिख पढ़ सकते हैं, ना आप उनको ओपनली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर है वहां पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और ये भी कहा गया कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ रीयूनियन। यानी आपने कभी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं की, अब जूते पड़ रहे हैं आपको दुनिया से। पहले बलोचिस्तान में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में और अब सिंध में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। और पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें राइट दिया जाए, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट राइट नहीं दे सकती तो फिर हमें अलहदा स्टेट बना दिया जाए। पाकिस्तान की पब्लिक से, पंजाब की पब्लिक से ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों राइट नहीं दे पा रही। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बलोचिस्तान में, तो हम कह देते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, रा की इन्वॉल्वमेंट है, गिलगित में भी हम यही कहते नजर आते हैं, क्या सिंध में भी हम ऐसा ही कोई लॉजिक रखेंगे या फिर अपनी गलती को देखेंगे और उसे बेहतर करेंगे। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं दे सकते तो सिंधु देश हमें अलहदा कर दें, मतलब यह है कि वो हमें एक अलहदा स्टेट बना दें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कुछ लोग ये जो कह रहे हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू के लिए मुझे चुना, लेकिन ये अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलहदा करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। अगर आपने राइट्स सूबों को अपने नहीं देने या उनके साथ हमने हुस्न सलूक अच्छा नहीं करना तो ऑटोमेटिकली बात है कि लोग अपने हक मांगेंगे। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है कि उनका दिल नहीं करता कि पानी निकाले, क्योंकि पानी निकाल दिया। फ्लड वाले पानी की बात कर रहे हैं, वही 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 वही। आपने ये फंडिंग तो बहरहाल बहुत ज्यादा आई है, ऐसी ऐसी जगहों से ये जहां से हम बायकॉट, फ्रांस की अगर बात करें जी, हम फ्रांस को कोई रिलेशन नहीं चाहते, फ्रांस को बायकॉट और फंडिंग वहां से ले लिया, तो वो कहां लगी? भाई जान, मुझे समझ नहीं आती कि आज तक बांग्लादेश हमसे अलहदा होके उसका एक टका 174 रुपए का, इंडिया का रुपया जो 1 रुपए के 2 मिलते हैं 274 रुपए के है। अगर ये तरतीब से लगते पैसे या तरतीब से हम लगाते पैसे और इसको हम यहाँ से ट्रांसफ़र ना करते तो अल्लाह के फजल से आज इंडिया का रुपया हमारे रुपये के मुताबिक 8 आने का होता। ये हमारा अलमी तो है, इंडिया ग्रो ना करता, इंडिया भी तो अपनी जगह ग्रो करता जाता। खैर, वो एक अलहदा टॉपिक है। आपने बांग्लादेश की बात किया कि कतर में बांग्लादेश हमारे से अलहदा हो गया, हमने राइट नहीं दिए थे। क्या देख रहे हैं अभी हम, जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे वहाँ के लोग डिमांड करने लगे हैं, ये मेरे ख्याल से अभी पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सिंध में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलोचिस्तान में कभी पहले होते थे, गिलगित में भी शायद अभी पहली दफ़ा हो रहा है। अब हर जगह पे
बलोचिस्तान हो, गिलगित हो या सिंध हो, वहाँ पे वो कह रहे हैं हमें अलहदा स्टेट बना दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका बड़ा ज़बरदस्त मौजू है, इसको आज ही इसके आगे बंद बांध लें ताकि ये बढ़ता 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 बढ़ जाएगा। आप हर सूबे को उसके हकूक दे, हर इंसान को अपने हकूक दे। लोग अपने वसाइल से ज़्यादा उनके खर्चे हैं, लोग परेशानी से खुदकशियां कर रहे हैं। खुदारा 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 इस कौम पे रहम करें। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और ये भी कहा गया कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ रीयूनियन। अब एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक सिंधियों ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, बाहर निकल आए हैं सिंधी भी और ये नारा लगा रहे हैं कि जिस तरीके से बना था बांग्लादेश उसी तरीके से बनने वाला है सिंधु देश। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया है सिंध की जानिब से और ये नारे बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। इसकी वीडियो आज हम पाकिस्तानी आवाम को दिखाते हैं, जानते हैं उनकी राय कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहत है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के हिस्से पाकिस्तान से ही अलग होना चाहते हैं और क्या बनने वाला है पाकिस्तान का, जानेंगे हम लोगों से, मेरे साथ रहे। खुशी की बात है वो अलग हो जाए, हमें कोई तराज नहीं है उनसे, फिर ताल्लुक हमारा नहीं, सबसे खत्म ताल्लुक तो वो होता है ना जो पास रहे, जो पास नहीं वो उसका ताल्लुक का कोई फायदा नहीं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के सूबे ही पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग वतन बसाना चाह रहे हैं, क्या वजूहत लग रही है, क्या पाकिस्तान सही तरीके से माइनॉरिटीज को ट्रीट नहीं कर रहा, फैसिलिटीज नहीं दे रहा, क्या वजूहत है? वजह ये है कि वो खुद अपनी सजा तजवीज कर रहे हैं, पास होंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी, दूर जाएंगे तो सजा मिलेगी। कौन सी मोहब्बत? अच्छा, कितने अरसे से हमारे साथ है सिंधी, क्यों अलग हो रहे हैं फिर? बस उनको तकलीफ ज्यादा है। किस चीज की तकलीफ है? कि पाकिस्तान खुश क्यों है? पाकिस्तान खुश है? खुश है। आप खुश है? किस लिहाज से खुश है पाकिस्तान? किस लिहाज से? आजाद है लेकिन फिर भी सजा याफ्ता है। क्या हम वाकई, आपने बोला सजा याफ्ता है, किस चीज की सजा है ये आप खुद बताएं। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आप इसकी मोहताज है। किसकी मोहताज है? अपने मोबाइल की। मतलब बाद में बताऊंगा। वो कहते हैं हमारे लिए पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, जो किया इंडिया ने किया। ठीक है, मेरे लिए पाकिस्तान ने क्या किया? आपके लिए क्या किया पाकिस्तान ने? कुछ भी नहीं। तो यही तो उनका भी क्लेम है, वो करते रहे, इन लोग करे नहीं थकना। पाकिस्तान पे जितने नाम लगेंगे ना पाकिस्तान उतना ही बदनाम होता जाएगा, लेकिन हमें नहीं फर्क पड़ता। हमारा मुल्क से हम लोगों ने खून बहा के ये लिया है मुल्क, ये हमारा रहेगा और इंशाल्लाह रहेगा, ये आगे भी जाएगा, हर चीज में आगे जाएगा। जिसने तब जाएगा, जाएगा इंशाल्लाह, जाएगा जरूर, ये नहीं कहना कि नहीं जाएगा। मेहनत करेंगे तब जाएगा, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह करेंगे हम, हमारा